अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे के दिन अपन सब्जी, ये पनीर और शिमला मिर्ची गाजर की सब्जी। इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मेरे बच्चे लोग गए बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, मेरे पोता पोती है। ये है सब्जी, गाजर, पनीर और शिमला मिर्ची। ये कितना अच्छा लग रहा है देखो। इसके लिए प्याज, कस्तूरी मेथी है, ये सारे मसाले हैं इसमें, गरम मसाला, धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्ची और तेल डालेंगे अपन, थोड़ी अक्की हरी मिर्ची, दो तीन चीरा मार के, थोड़ा जीरा, इसको अच्छा अच्छा फ्राई होने देंगे। फिर डालेंगे अदरक और लहसुन कटा हुआ बारीक, इसको थोड़ा भूनेंगे। उसके बाद प्याज डालेंगे, एकदम ये नॉर्मल सब्जी है अपनी, इंडियन सब्जी समझने का। ये सारे मसाले इसको अच्छे से भून लेने का एक मिनट के लिए। फिर डालेंगे टमाटर, टमाटर को भी थोड़ा नरम होने देने का। फिर डालेंगे गाजर, और शिमला मिर्ची, पनीर को लास्ट में डालेंगे। अच्छे से भून के नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसको ढक्कन ढक के एक दो तीन मिनट बस पकने देंगे, ज़्यादा नहीं। ये पक गया, गाजर भी पक गया, शिमला मिर्ची भी पक गया। इसमें डालेंगे अभी पनीर, बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी, नॉर्मल चपाती के साथ, रोटी के साथ। ये पनीर में ऐसे ही रखी थी एक पीस, इसमें ये पनीर, इस कस्तूरी मेथी थोड़ी डाली हूँ और थोड़ी धनिया, कोथमीर, इसको मिक्स करके अच्छे से मिक्स करो। हो गया तैयार है अपना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही अच्छी बनती है सब्जी पनीर के साथ, चपाती के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। आप लोग ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना, लाइक करना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।